नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बेगूसराय बछवाड़ा अंतर्गत राजापुर गांव निवासी एक किराना दुकानदार ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई का पाई पाई जोड़कर अर्जित की गई संपत्ति पर असामाजिक तत्वों की दृष्टि पड़ जाएगी। इन्हीं असामाजिक तत्वों का दंश झेल रहे गोविंदपुर 3 के राजापुर गांव निवासी राजेंद्र यादव ने एसपी बेगूसराय से प्राण की रक्षा की गुहार लगाते हुए असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की मांग की है। उक्त दुकानदार ने एसपी को दिए गए आवेदन में कहा है कि मैंने अपनी गाढ़ी कमाई से अर्जित की गई पैसों से घर बनाने हेतु संपत्ति खरीदा था, मगर मेरे गांव के उपेंद्र यादव एवं रविंद्र यादव कुछ दिनों से जमीन खाली कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। वह कई बार मेरे घर पर आकर जमीन खाली करने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी भी देते हैं। मामले को लेकर ग्राम कचहरी में भी शिकायत की गई थी, जहां सरपंच ने उक्त मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की बात कहकर ऊपरी अदालत की शरण में जाने की बात कही थी। असामाजिक तत्वों के बढ़ते दबाव को देखकर पीड़ित ने मामले की शिकायत एसपी बेगूसराय से की है। इधर बछवाड़ा थाना अध्यक्ष परशुराम सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच करने के बाद शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बिहार बेगूसराय से राकेश यादव की रिपोर्ट। धन्यवाद, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। बोलिए सर। देखियो, हमने जिंदगी के सारी गाढ़ी कमाई ने अनिल कुमार जमीन वाला अनिल कुमार वर्मा के दे दिलिए आ जमीन खरीदे के लिए। ओके बाद हमरा दखल कब्जा भी दिलाए दिलखिन। दखल कब्जा दिलेलाक बाद जे छै से आश्वासन दैत रहलखिन जे कि हाँ लिख दै छियो। इन्ने आइ कुछ दिन से लिखै से आनाकानी करै छथिन। तब हम सरपंच हियाँ जे छै से सरपंच हियाँ भी गेलै अथी कैल निर्णय, तऽ ओ देलखिन हमरा पक्षमे जे कि हाँ ई हमरा पक्षमे, लेकिन ओहिसँ भी बात नहि बनलै। तऽ आब गुंडाके लगबाक चाहै छथिन जबरदस्ती, हिनका घर तर उजरबाइ दिए, फलना करिए चिल्ला करिए। इएह सब छै बात। क्या नाम है? राजेंद्र यादव, ग्राम।